पाली नहर पे हम उतर चुके हैं और दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, दादी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो दादी पाली आने वाली है, तो हम दादी से यहाँ पे ही पहले मिलेंगे, डॉक्टर के पास चेकअप करा के फिर घर जाने वाले हैं। यहाँ पे प्याऊ जैसे है, आपको ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाएगा, पाली में आपको पानी हर जगह अवेलेबल है। होम हॉस्पिटल में हमने प्लास्टर फिर से करवाया है दादी का। फाइनली हम अपने घर मंडिया पहुंच गए हैं, काफी रिलैक्स हो रहा है अपने घर पहुंच के। दादी जी भी रिलैक्स कर रही है, सब रिलैक्स कर रहे हैं। पोनी 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 ने हमें पहचान लिया है। पोनी पोनी बहुत एक्साइटेड हो गई है। पोनी पोनू पोनू कौन है घर पे? पोनू पोनू बहुत एक्साइटेड हो गई हमें देख के। पोनी 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 और ये बॉडीगार्ड बहन क्या कर रही है? पोनी की बहन ये देखो, पूजा और पोनी दोनों में से कौन ज्यादा क्यूट है? हमारी पोनी ज्यादा क्यूट है, पूजा आप क्यूट नहीं हो, हमारी पोनी बहुत क्यूट है, बहुत एक्साइटेड है कब से। पूजा हमारे लिए चाय बना के लेके आई है। और अब हम निकल रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने। हमारी दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पे गांव की आइसक्रीम खिलाने। हमारे साथ है निकिता और राखी, और ये यहाँ पे गाय है, होंडिया है, ये एक और गाय है। और ये आइसक्रीम ले लिया है, दोनों आइसक्रीम के लिए ऐसे झगड़ रहे हैं हमारे निकिता और राखी। आइसक्रीम पार्टी होने वाली है और मेरी आधी खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई, सो सैड। हमारे पास अभी इतने सारे हैं अभी तक, और इस लड़की को हम नहीं खिलाने वाले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू संगीता चौधरीज व्लॉग। मॉर्निंग के साथ भी नहीं बजे है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप आ गया है। ये देखिए सन, सूरज अभी अभी इतना धूप दे रहा है जबकि 7 नहीं बजे है। पूरे दिन में कितनी धूप होने वाली है। चलिए जाके कुछ नाश्ता करते हैं, और सनलाइट की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही है। मॉर्निंग में सारे काम करके रेडी हो चुके हैं और अब हम सब लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। ललित चलो सबके साथ मिलने जाते हैं। बहुत धूप है तो हम छाव में चल चल के धूप से बच रहे हैं। और ये यहाँ पे गौ माता आई है, मैं और ललित ऐसे ही घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। एकांश बहुत स्मार्ट है, ये हमारा एकांश। एकांश सुबह की कर, एकांश एकांश
ये निकिता इतने कड़क धूप में निकल रही है पाली के लिए। बाय निकिता, एंजॉय धूप में। और अभी हम जाने वाले हैं एकांश के घर। ये रहा एकांश का घर। पहले एकांश आया था हमसे मिलने, अब हम आए हैं एकांश से मिलने। एकांश और हम लोग खेल रहे हैं। एकांश ये एकांश अपने फेवरेट ग्लास के साथ में खेल रहा है, और इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें साउंड आती है, आवाज होती है, तो ये पहले पानी पी लेता है फिर खेलने बैठ जाता है। गांव में आया है गन्ना का जूस। बहुत ही यूनिक यूनिक चीजें और यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है। मासा जी हमें लेने आए हैं, और अब हम मंडिया से निकल रहे हैं सोजत के तरफ, शादी की तरफ। शादी के इवेंट वहां पे है सारे, तो अब यहां से निकल रहे हैं। दो दिन दादी के साथ में मस्त इंजॉय किया, सबके साथ में बहुत इंजॉय किया, अब सबको बाय बोल के निकलना है। हेलो, तो निकिता और पूजा हमें बाय बोल रही है। बाय, मिलते हैं शादी में, मिलते हैं पूजा इवेंट में, मिलते हैं निकिता। बाय कोसलिया जी जी। हम निकल गए हैं सोजत के लिए। फूटरी यशवर्धन, दो छोटे छोटे कजिन हमें पिक करने आए हैं। फूटरी और ये इतना शाय फील कर रहा है, वो साइड देख रहा है। फूटरी चॉकलेट दो। फूटरी चॉकलेट खाई? नहीं नहीं, जूस निकुंड राय। ये है यशवर्धन की स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है और बहुत बड़ी स्कूल भी है। ओ वगनाड़ो, इतरो वगन कर रही हो, सब लोग देख लो इन्हें वगनाड़ा ने। वगनाड़ा हम एंट्री कर रहे हैं खोखरा गांव में, और आप बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। ये खोखरा में सबसे जबरदस्त म्यूजिक कंपोजर है दीपू। स्वागत दीपू, हमारे ऐसे म्यूजिक के साथ में स्वागत कर रहे हैं अपने गांव में।